दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिल्कुल एक नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक और हमारा SST का सैंपल पेपर, जो कि अभी मेरे को लगा कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके टर्म टू प्रिपरेशन के लिए ये आपको बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, वो मतलब इस लेवल के मुझे दिखे कि हाँ काफ़ी ठीक लेवल है, अच्छा है, और आप इसे कर लेंगे तो आपको एक इम्पॉर्टेंट हेल्प ही मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये हैं इसके क्वेश्चंस। मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाने वाला है। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, क्वेश्चंस दे दूंगा, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा एक एक बार, जिससे आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, डिस्क्राइब द रूरल रोड्स इन इंडिया का क्वेश्चन है। व्हाई डिड गवर्नमेंट रिमूव बैरियर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सोशल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है, एनी थ्री कॉजेज बताइए जिससे डिक्लाइन हो रहा है इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स में इन द अर्ली 19th century। तो ये आपको बताना है। ठीक है, अपना सेक्शन भी आएगा, उसमें आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन गेव बर्थ टू इंपीरियलिज्म, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ विच वैल्यूज विल इट बी फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हारमोनियस सोशल लाइफ। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि किस बेसिस पर आप मतलब चाहेंगे डेमोक्रेसी से कि वो प्रोड्यूस करें, मतलब ऐसा क्या बेस क्या है। ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा ना इसमें। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म, ये देखो आपके उस चैप्टर में था कि यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो उस सब पर आपके क्वेश्चन आया। काफ़ी अच्छा एक सैम्पल पेपर है ये जो बन के आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और मैं आपको सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ। अच्छा देखो, अभी ना केस स्टडी भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, जो आपके बोर्ड्स में केस स्टडी आई ना, वो तो मुझे मतलब देख के मैं एकदम शॉक रह गया, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी केस स्टडी से कि इतना टफ आने वाली है, बट हाँ वो काफ़ी है अच्छी लेवल की। तो इसलिए आपको केस स्टडी के लिए अच्छे प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, तो क्योंकि बाहर से आएगा, आपको एक तरीके से अपना जैसे इंग्लिश में करते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाला केस, वैसा आपको करना पड़ेगा, तो वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है और फिर आपके पास टाइम भी कम होगा। तो इसलिए SST के पेपर में हमारे पास काफ़ी मुश्किलें आने वाली हैं, इसलिए आप सैम्पल पेपर्स को तो प्लीज़ करते रहिए। ठीक है, मैप्स आए हैं, मैप्स को आप आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, मैप को देखकर हमें एक और बात पता चलती है कि आपका एक ना एक चीज़ तो लोकेट हो ही होगी मैप में, और आपको आइडेंटिफाई करनी होगी, यानी एक नंबर तो आपका ऐसे ही आना है, बाकी फिर आपको दो नंबर्स के लिए आइडेंटिटी खुद करनी होगी, मतलब लोकेट करना होगा। तो देखो, ये हैं इसके सारे सॉल्यूशंस, सारे ही आंसर्स के फर्स्ट सेकंड, मतलब ऑल आंसर्स इंक्लूडेड मैप। ठीक है, सभी आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। मैं स्लो स्लो एक बार दोबारा स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो जो भी आपको सही लगे करने में वो आप कर लीजिएगा। ये मैं आपको बेसिकली PDF है ये पूरी, आप इसे देख लीजिएगा, और अगर मेरे से हो सका तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है बस, मैं लेकिन आपको दे दूंगा। ठीक है, बट अगर आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छा, मेरे पास ऐसे में ऐसे बहुत सारे सैंपल पेपर्स हैं, तो मैं भी रोज़ मतलब अभी एक एक घंटे में मतलब मैं कई सारे सैंपल पेपर की वीडियो डालने वाला हूँ, तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे आपको हाल सैंपल पेपर का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सारे सैंपल पेपर्स लगा सकें। ठीक है, मैं बहुत सारे सैंपल पेपर डालने वाला हूँ, कम से कम अभी 30-35 सैंपल पेपर तो देखिए दोस्तों पड़े हुए हैं, जो आप अभी कर भी नहीं पाएंगे शायद टोटल, तो इसलिए आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको सारी सैंपल पेपर्स मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छा हाँ, एक और बात कि मैंने पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपना सिविक्स के चैप्टर्स पर, मैंने आधे आधे घंटे के अंदर 25-25-20-20 मिनट के अंदर सारे चैप्टर समझाए हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, जो आपकी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, तो प्लीज़ आप उन्हें एक बार जाकर देखिएगा जरूर। बाकी आप सैंपल पेपर सॉल्व करिए, और मेरे को पक्का उम्मीद है कि आपका SST का पेपर अच्छा